स्वागत दोस्तों एक बार फिर से टेकर चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं दोस्तों Realme X7 Pro 5G के बारे में जो कि जल्दी लॉन्च होने वाला दोस्तों इंडिया की एक वेबसाइट है BIS जिसके ऊपर ये एक्सीडेंटली जो है स्पॉट हुआ और कुछ सर्टिफिकेशंस जो है वेबसाइट के ऊपर दिखाया गया जिनसे लग रहा है कि ये काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन हो सकता है। तो दोस्तों इसकी पूरी तरह से इस वीडियो में बात कर लेते हैं, स्पेसिफिकेशंस डिज़ाइन वगैरह सब कुछ जो है आपको बता देता हूं जल्दी से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दें वीडियो को। बात कर लेते हैं इसके बारे में पूरी तरह से, तो चलिए वीडियो को आरम्भ करते हैं। दोस्तों रियलमी X7 Pro 5G के अंदर 6.55 इंचेज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी जो कि 120Hz डिस्प्ले के अंदर रिफ्रेश रेट यहाँ पर दी गई है। गेमिंग के लिहाज से देखा जाए तो आजकल जो है काफ़ी हायर रेट चाहिए। MediaTek का जो Dimensity 1000 प्लस SoC है जो कि आज तक बताते आए हैं वो इसमें दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये वाला होगा। इसमें Snapdragon भी हो सकता है, वैसे बता दूं कि Snapdragon का CPU आजकल कुछ सस्ता है यहाँ पर हो गया है तो काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें जो है MediaTek का G85 CPU भी हो सकता है। दोस्तों 8GB रैम जो कि LPDDR4x है वो इसमें कंफर्म होगी। 256GB का इंटरनल स्टोरेज जो कि UFS 2.1 स्टोरेज के साथ है, तो इससे जो है प्राइस काफ़ी सही लगने वाली है क्योंकि 3.0 होता है तो इसकी प्राइस जो है लोग बढ़ा देते हैं। दोस्तों Realme UI बेस्ड Android 10 का इसमें पूरी तरह से आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। तो बॉक्स के बाहर यही लिखा था जो मैंने देखा था वहाँ पर। क्वाड रियर कैमरा का सेटअप है। मेन सेंसर दोस्तों यहाँ पर 64MP का यहाँ पर दिया गया है। सेकेंड सेंसर दोस्तों 8MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। तीसरा दोस्तों एक 2MP का मैक्रो लेंस इसमें यहाँ पर दिया जाएगा और चौथा जो है डेप्थ सेंसर यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है एक पंच होल के अंदर सेल्फी के लिए दिया गया है दोस्तों 32MP का। 32MP का आपको चेक्ड अंडर मिट कैमरा जो है सेल्फी के अंदर यहाँ पर मिलने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इसके अंदर फेस के अंदर दिया जाएगा। sANSA 5G दोस्तों बैंड दोनों यहाँ पर सपोर्टेड हैं। ब्लूटूथ 5.1, वाईफाई 4K वीडियो, ड्यूल फ्रिक्वेंसी GPS, NFC स्टीरियो स्पीकर सब कुछ जो है लगभग इसमें दे दिया जाएगा। मतलब जो बेसिक चीज़ें होती है वो सब आपको इसमें मिल जाएंगी। 4500mAh की बैटरी के साथ 265W की जो अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग है वो इसके साथ यहाँ पर रन कराई जा रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्राइस की। 23,990 रुपये 8GB 256GB जो स्टोरेज वेरिएंट है उसकी प्राइस यहाँ पर एक्सेप्ट की जा रही है। लगभग इतनी प्राइस यहाँ पर रहेगी। इसका जो लोअर वर्जन होगा दोस्तों 6GB वाला वो 18,000 रुपये का यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ तक जो है इतना ही हमें पता चला है। आपको ये वाला स्मार्टफोन कैसा लगा, इसके अंदर जो भी था मैंने आपको सब कुछ जो है काफ़ी स्टडी करने के बाद मतलब मिला मेरे को, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बताएं दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है Realme X7 Pro 5G को लेकर जो कि एक बजट स्मार्टफोन आपके लिए यहाँ पर हो सकता है, यानी बजट 5G। OnePlus का Nord था जो कि बजट 5G था, लगभग 25,000 से 28,000 रुपये में 2-3 वेरियंट आए जो कि 5G थे, लेकिन Realme ने X7 Pro 5G निकाल कर उससे भी सस्ता एक बजट 5G स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो इसी महीने नवंबर के अंदर ये लॉन्च हो रहा है और 5G के साथ है। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक और ऐसे फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।